नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 14 नवंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलते हैं पहले आर्टिकल की ओर। पहला जो आर्टिकल है वो इंडिया की विंड एनर्जी के बारे में। क्यों है न्यूज़ में? न्यूज़ में इसलिए है कि विंड एनर्जी पे कुछ रिसर्च वगैरह हुई है, कुछ लेख वगैरह आया, इसलिए न्यूज़ में। अब देखो, विंड एनर्जी है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे टारगेट है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है तो विंड एनर्जी, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी में एक मुख्य एनर्जी आती है। अब इसे प्रमोट करना ज़रूरी है। तो अब इस आर्टिकल में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि हमारे पास में रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, कितना इसका पोटेंशियल है, वर्तमान पोटेंशियल क्या है, भविष्य में इसकी क्या, इसका भविष्य है, बढ़ाया जा सकता, नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्या चैलेंज आ रहा है इसमें, ये सब इस आर्टिकल में देखेंगे। तो ये हमारे प्रीलिम और मेंस दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाता है, तो इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले कुछ डेटा दिया गया है। ये डेटा देखो आपको याद नहीं रखना है, आपको सिंपली इतना याद रखना है कि ये विंड एनर्जी का इतना पोटेंशियल है, इतना यूज़ किया जा रहा है, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर बात की गई है कि भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता है ना, वो अलग अलग साइज़ दे रखी है। देखो 150 मीटर की हाइट पे भारत में 1200 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, और 120 मीटर की ऊंचाई पर है भारत में 700 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। बट ये डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपली ये याद रखना कि भारत में अभी है ना विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा की क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है। अलग अलग देशों में पवन ऊर्जा है वो पैदा की जा सकती है, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान चौथा है। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत अभी जितनी भी भारत की क्षमता है ना, उसका 6% ही भारत यूज़ कर रहा है। 6.5 है, आपको 6.5 याद नहीं रखे तो आपको याद रखना कि भारत का चौथा स्थान है, और भारत है वो विंड एनर्जी में अपनी जो क्षमता है उसका केवल 6.5 या 7% ही उपयोग किया गया है, बाकी सारा जो उपयोग है वो बाकी पड़ा है। यानी कि भारत का भविष्य विंड एनर्जी के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे डेटा देख के आप मेंस में इंट्रो लिख सकते हो। कोई भी अगर आपको विंड एनर्जी का क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे इंट्रो लिखना हो तो वहाँ पे ये लिख सकते हो कि भारत में विंड एनर्जी का ये भविष्य है, अभी चौथा स्थान है, अभी भारत में है वो ओनली 6.5% है उसका उपयोग किया गया, रेस्ट है 94% है वो बाकी पड़ा है। अगर उसका उपयोग किया गया तो भारत में विंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस की जा सकती है। अब कुछ राज्य हैं जिनका विंड एनर्जी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, अलग अलग राज्य हैं जहाँ पर विंड एनर्जी में प्रोड्यूस की जा रही है, उसमें कुछ राज्य हैं इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ये राज्य कौन कौन सी है? जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, इनका जो है ना, ये 6 राज्यों का इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा है, बाकी राज्य हैं उनका योगदान कम है। इन 6 जो राज्य हैं इनका योगदान कितना है? 93% है। इन 6 राज्यों का योगदान है वो 93% है, बाकी जो राज्य हैं उन सारे राज्यों का मिलकर ओनली 7% योगदान है। तो आपको ये डेटा याद रखना, हाँ ये डेटा याद रखना है कि केवल 6 राज्यों का है वो 93% योगदान है, बाकी राज्य भी अगर इस प्रकार से कोशिश करेंगे उनका योगदान बढ़ेगा तो विंड एनर्जी में भारत और आगे जा सकता है, ये आपको डेटा याद रखना है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में अकेले इतने टर्बाइन, ये डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, इतने टर्बाइन है वो तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं, यानी कि तमिलनाडु उसमें विंड एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है, तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं कि विंड एनर्जी के सेक्टर में क्या क्या भारत ने प्रयास किए हैं, क्या क्या कोशिशें की जा रही है। कोशिशों की बात करें तो ये आप याद रख सकते हो कि मेंस में क्वेश्चन आए तो वहाँ पे ये पॉइंट देने में काम आएंगे। तो जैसे कि जो कुछ पुराने हमारे विंड एनर्जी के जो मोटर टर्बाइन वगैरह लगाए गए थे तो उनमें क्या था कि वो एनर्जी कम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है ना कम बिजली उत्पादन कर रहे हैं, तो अब उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? उनमें नए टर्बाइन लगाए जाएंगे, जो पुराने टर्बाइन है उनको हटाया जाएगा, उनकी जगह नए टर्बाइन लगाए जाएंगे जिससे उनकी क्षमता विकसित होगी, उनकी कैपेबिलिटी विकसित होगी, तो वो और ज़्यादा ऊर्जा है वो उत्पादन करेंगे, उनका और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ये भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ में कुछ और जैसे ब्लेड वगैरह हैं उनमें भी अपग्रेड की जा रही है, जो विंड एनर्जी में ब्लेड वगैरह है उनका बॉक्स है उनमें अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे कि उनके क्या होगा कि लाइफ बढ़ जाएगी, वो कम अभी खराब होने वाले तो उनकी लाइफ है वो बढ़ जाएगी, यानी कि उनके जीवन स्तर को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, जैसे वो लंबे समय तक काम कर सके। फिर कुछ है वो पॉलिसीज होती है, कुछ नीति बनाई जाती है विंड एनर्जी की है, हर अलग अलग प्रकार की नीतियाँ बनाई जाती है तो उनमें परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे कि हमारी है 2016 की एक नीति बनाई गई है, अब 2016 की नीति क्या है, 2016 में हमारी एक नीति बनाई गई है वो विंड एनर्जी के लिए बनाई गई है। अभी 2016 की नीति है क्या?
इसमें कुछ बात की गई थी, इसमें कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए थे, बट अभी क्या किया गया है, अभी जो ये नीति बनाई गई थी इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, ताकि जैसे कि 2 वोट से भी कम मेगा वोट की जो ऊर्जा पर उत्पादन कर रहे हैं उनमें परिवर्तन किया जाए, उनमें बढ़ावा दिया जाए, ऐसे भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये विवाद भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। अब इसमें कुछ चिंता है, कुछ चैलेंजेस है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चैलेंजेस पता है तो आप सुझाव दे सकते हैं कि इसमें ये समाधान किए जा सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है लैंड एक्वायर का। हमारे पास में समस्या तो बहुत है, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, लैंड। हमारे पास जमीन नहीं है, एक अगर पवन ऊर्जा स्थापित करनी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा जमीन की आवश्यकता होती है, तो हमारे पास में लैंड इतनी है नहीं कि हम इतनी बड़ी जो भी है लैंड, जो विंड एनर्जी उसको स्टोर कर सके, उनके लिए टर्बाइन बना सके, तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आता है। उसके बाद में हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बुनियादी ढांचा होता है, उसकी भी कमी है। अगर बुनियादी ढांचा नहीं होगा, उसका अभाव होगा, तो किस प्रकार से हमें इसे स्थापित किया जा सकता है। अभी तमिलनाडु में ये समस्या देखने को मिली थी कि वहाँ पर है ना बेसिक स्ट्रक्चर की कमी देखने को मिली, जिसके कारण इसे जो स्थापित किया जाना इस्टेब्लिश किया जाता है उसमें समस्या देखी गई है, उसमें टाइम लग रहा है। दूसरी कमी क्या है, ये जो 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट को आप मर्ज कर सकते हो, मेंस में लिखोगे ना, तो पहला पॉइंट है बैंकिंग नीति की सीमाएं, दूसरी है फाइनेंशियल जो भी होती है ना वायबिलिटी, उसमें समस्या देखने को मिल रही। अब इन दोनों को मर्ज कैसे करना है, तो पहला पॉइंट आप देखोगे फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है, मतलब यानी वित्तीय व्यवहार नहीं है, यानी कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, जो भी इसमें शेयर होल्डर होते हैं, जो पैसे लगा सकते हैं, उनमें इतना लाभ उनको नहीं मिलता, उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलता है कि वो इसका फायदा उठा सके, इसलिए ये फाइनेंशियल रूप से वायबल नहीं है, वित्तीय व्यवहार योग्य नहीं है। अब बैंकिंग प्रॉब्लम कैसे आती, बैंकिंग यानी कि अगर बाई चांस कोई लगाना भी चाहिए ना, उनको बैंक से फंड नहीं मिलता है, बैंक की सुविधाएं नहीं है, तो वो किस प्रकार से ये सारा काम करेगा, इसलिए इसे बैंकिंग समस्या भी देखने को मिलती है। तो इन दोनों पॉइंट को आप मर्ज कर सकते हो। नेक्स्ट अब है क्या वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, यानी क्या क्या इसमें समाधान किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई, तो सबसे पहले क्या करना है, जो फाइनेंशियली वायबल नहीं था, वित्तीय व्यवहारिता नहीं थी, उसमें सुधार करना है। क्या करना होगा, कोई भी पैसे लगाएगा तो वो क्या जाएगा, बेनिफिट जाएगा, तो इसी इस प्रकार से फाइनेंशियली व्यवहार योग्य बनाना है, फाइनेंशियली वायबल बनाना है, ताकि जो पैसे लगाए उसको उसको रिफंड मिले। तो उसको इनमें टेक्नोलॉजी बढ़ानी होगी, जिससे कम ऊर्जा में बहुत लंबे समय तक चल सके, इस प्रकार के इसमें प्रयोग किए जाने चाहिए। साथ ही साथ में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें इस प्रकार से निर्माण होगा, अच्छे से उनको फंड मिल जाए, अच्छे से लोन मिल सके, ताकि वो आगे से आगे काम कर सके, ये इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पवन ऊर्जा का उपयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने, अगर उस किसी के पास में एनर्जी है लेकिन उसका यूज ही नहीं है तो वो करेगा क्या एनर्जी जनरेट करके, तो उसे एनर्जी अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका उपयोग भी होना चाहिए, तो पवन ऊर्जा का उपयोग को भी बढ़ाना है, जिससे आगे से आगे वो प्रोड्यूस कर सके। तो ये पूरा आर्टिकल था विंड एनर्जी के सेक्टर के से, ये मेंस की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रीलिम में इसका महत्व थोड़ा कम है, तो आप इसको लिख सकते हो मेंस में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है, ये जो हमारा है ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ फैक्ट दिए गए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं तो हमने इसको कवर नहीं किया। इसमें क्या बात की गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किस प्रकार से हेल्थ सेक्टर को इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, हेल्थ सेक्टर में अगर सुधार होगा तो हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल है उसे हम किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें फैक्ट ज़्यादा है और इतने फैक्ट हैं कि आपके जो फैक्ट है वो काम नहीं आएंगे, तो इसको हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें भी कुछ ज़्यादा ऐसे डेटा नहीं थे जिसका उपयोग हम मेंस में कर सके, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बात की गई थी इंडिया किस प्रकार से रिच बन सकता है, तो इसमें ऐसे कोई डेटा नहीं थे जिसका हम उपयोग कर सके, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है गिग वर्कर के बारे में। अब सबसे पहले गिग वर्कर होते क्या है, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों ये न्यूज़ में आया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है, अभी भारत में गिग वर्कर है ना उनकी अवधारणा बढ़ती जा रही है, गिग वर्कर्स हैं उनकी जो है नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अभी क्या हुआ, महिला जो गिग वर्कर्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, हड़ताल कर दी, हड़ताल की, तो ये मुद्दा न्यूज़ में आ गया, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। अब ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है किसने हड़ताल की क्या करी, हमने कॉन्टेक्स्ट देखा है। अगर आपको गिग वर्कर्स के बारे में मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो, भारत में अभी गिग वर्कर की नंबर बढ़ते जा रहे हैं, अगर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन कुछ समस्या जिनके कारण समय समय पर गिग वर्कर्स हैं मुख्य तौर पर महिलाएं वो हड़ताल कर देती है, इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट देके आप इंट्रोडक्शन देके जो भी हमारा आंसर है उसको शुरुआत कर सकते हो। तो ये तो हमारा इंट्रो था, अब हम बात करते हैं सबसे पहले गिग वर्कर होते क्या है, फिर उनकी क्या क्या चैलेंजेज आ रहे हैं वो सब देखेंगे। तो गिग वर्कर के बारे में बात करें तो देखो आपने अमेजॉन का नाम सुना होगा,
फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, ये जो कंपनियां ना, अलग अलग कंपनियां ना, ठीक है, जोमेटो स्विगी वगैरह, इनमें जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं। कैसे ऑनलाइन, जैसे आपने कोई चीज़ मंगवाई तो वो डिलीवरी देने के लिए आएगा, तो वो ऑनलाइन रूप से इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। ये फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन, जो भी कंपनी है, और ये आप हो, और ये जो बीच वाला है डिलीवरी बॉय, ये कैसे जुड़ा हुआ, ऑनलाइन रूप से, इसके पास फोन है, फोन में ऑर्डर है, तो ये देने को लिया गया। ये डार्क, इसको और सुविधा होती ना जो कंपनी में, दूसरी सुविधा होती, वो सारी सुविधा इसको नहीं मिलती है। तो ये एक प्रकार का गीग वर्कर हो गया। गीग वर्कर वो होता जो ऑफिशियली रूप से किसी कंपनी से जुड़ा नहीं हुआ है, ऑनलाइन माध्यम से किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है, उनको वो सारी सुविधा नहीं मिलती है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो मल्टीनेशनल कंपनी में जो सुविधा मिलती, वो इन गीग वर्कर्स को सुविधा नहीं मिलती है। अभी के टाइम में गीग वर्कर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे यहाँ में स्टार्टअप्स ज़्यादा बढ़ गए, और ज़्यादातर स्टार्टअप्स ऑनलाइन काम करते हैं, तो वहाँ पर गीग वर्कर्स ज़्यादा हायर किए जाते हैं। तो ये गीग वर्कर्स इस प्रकार से काम करते हैं। अब इनमें समस्या क्या देखने को मिलती है, देखो आप अगर किसी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर कंपनी में कर्मचारी ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, आपके रहने की व्यवस्था होगी, आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो भी कंपनी वालों को पैसे देने पड़ेंगे, कुछ कंपनी वाले हैं पेंशन भी देते हैं, तो अलग अलग प्रकार की आपको सुविधा वहाँ पर दी जाती है। बट यहाँ पर क्या देखने को मिलती, आपको ये सारी सुविधा देखने को नहीं मिलती है। गीग वर्कर को ये सारी सुविधा नहीं देखने को मिलती है। गीग वर्कर जब तक काम कर रहा है उसको पैसे मिलेंगे, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से ये काम करेंगे तो इन्हें काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। अभी ये तुलना इनकी बढ़ गई है तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ज़्यादातर ये महिलाएँ होती हैं, उनको ये सामना प्रॉब्लम है, वो काफ़ी फेस करनी पड़ रही है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी इससे संबंधित एक रिपोर्ट भी रिलीज होगी जी, इस रिपोर्ट में कुछ डेटा दिया गया, जैसे कि ये फेयर वर्क इंडिया रेटिंग रिपोर्ट निकली 2024 की, इसमें जो रेटिंग दी गई ना, वो वीक वर्कर, गीग जो वर्कर है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं उसके आधार पर इनको रेटिंग दी गई है। बट ये जो है ना, आप पॉइंट याद रखना, कौन कौन से पॉइंट है, कुछ पांच सिद्धांत है, इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। अगर किसी कंपनी के बारे में, किसी लेबर लॉ के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पर इन पॉइंट को आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, जैसे कि ये सुविधा होनी चाहिए, फेयर पे होना चाहिए, फेयर कंडीशन होनी चाहिए, फेयर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फेयर मैनेजमेंट होना चाहिए, फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि उचित वेतन, उचित शर्तें, उचित अनुबंध, उचित प्रबंधन और उचित प्रतिनिधित्व तो होगा, तभी कोई भी वर्कर है वो काम कर पाएगा। बाकी है ना, इस रिपोर्ट में ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है, ये एक रिपोर्ट आई थी गीग वर्कर के बारे में, यहाँ पर ये दिखाया गया हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको किसी को भी अच्छी रैंकिंग नहीं मिल रही है, वहाँ पर जो भी वर्कर काम करते हैं उनको अच्छी सुविधा नहीं मिली है। कुछ प्लेटफॉर्म हैं उनको अच्छी सुविधा मिली है, उनको अच्छी रैंक मिली है, बाकी ज़्यादातर जो भी स्टार्टअप है उनको रैंक मिली ही नहीं है। जैसे बिग बास्केट है और अर्बन कंपनी है, इनके जो कर्मचारी है उनको अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, इसलिए इन्होंने रैंक अर्जित किए, बाकी किसी को भी कोई रैंक नहीं मिली, इतना याद रखना है। बाकी ये जो पांच पॉइंट है इसको आप याद कर सकते हो, ये किसी भी क्वेश्चन में आप डाल सकते हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें लेबर लॉ के बारे में बात की गई हो, लेबर्स के बारे में बात की गई, तो वहाँ पर ये पॉइंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये गीग इकोनॉमी किस प्रकार से काम करी है, ये परंपरागत जो इकोनॉमी होते हैं उस प्रकार से नहीं होते हैं, ये जो अलग अलग प्रकार से जुड़े होते हैं, इसमें ऑनलाइन होता है एक ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन में हम पहले काम करते थे कंपनी में, वैसे होता है ऑफलाइन होता है। अब ये कैसे काम करती गीग वर्कर, ये डिजिटल रूप से काम करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करते हैं, कोई ऐप होता है उनके माध्यम से काम करते हैं, ये फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, ये पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो हमने देख लिया गीग वर्कर क्या होता है, अब इनमें क्या क्या प्रॉब्लम, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम इनको देखने को मिलती है। कई बेनिफिट भी होता है कि पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं, तो कुछ इनमें बेनिफिट भी होते हैं, ठीक है। ये सारे हमने देख लिए, कहीं ये काम की सुविधा भी होती है, काम का दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया, किस प्रकार से है? पहले हम ऑफलाइन जाते थे काम करने के लिए, अभी ये सारा चीज़ें हमको देखने को मिली गीग इकोनॉमी के द्वारा। तो ये हमने पूरा देख लिया। अब इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, सुधार की बात करें तो इनके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। हमारे जो गीग वर्कर हैं उनको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, उनको बेसिक जो सुविधाएं होती है वो नहीं मिलती है, सामाजिक जो सुरक्षा होती है, सोशल सिक्योरिटी, वो नहीं मिलती है, तो उनके साथ वो होना चाहिए, उनको उचित वेतन मिलना चाहिए, उनके लिए पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, उनके लिए मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा होनी चाहिए, अगर कुछ हो जाता है तो उनके लिए जो भी इंश्योरेंस वगैरह होनी चाहिए वो व्यवस्था होनी चाहिए, इस प्रकार से काम किया जाना चाहिए। और भी जो एल्गोरिज्म वगैरह होती है, किसी प्रकार से इनका शोषण न हो, वो सब भी देखा जाना चाहिए। साथ ही साथ में इनका जो डेटा होता है उनको भी प्रोटेक्ट करके रखा जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से इनका शोषण न हो। साथ ही साथ में इस प्रकार का एक संघ बनाया जाना चाहिए गीग वर्कर का, जो भी अपने अगर इनकी कोई समस्या है तो वो आगे आके इन समस्याओं का समाधान कर सके। एक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, ये पॉइंट तो आप हर जगह यूज कर सकते हो, जागरूकता होना चाहिए, शिक्षा हो सकते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होना चाहिए, जितने भी गिग वर्कर हैं उनको जो इंटरनेशनल लॉज है उनके साथ में मर्ज किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल जो भी अलग अलग प्रकार के समूह बने हुए, ग्रुप बने हुए हैं, जो लॉबीज बनी हुई उनके साथ में अगर वो एकजुट होंगे तो इस प्रकार के जो भी आंदोलन होते हैं उसमें ये बढ़ चढ़कर भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए इनको आगे आना चाहिए। इस प्रकार की इनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं है, इस पे सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस पे जजमेंट इसके बारे में है। तो सबसे पहले है ना, ये जो इसमें पॉलिटिक्स है उसमें हम नहीं घुसेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट क्या होता है। अगर कोई इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट घोषित कर दिया जाता है, अल्पसंख्यक संस्था घोषित कर दी जाती है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, किस प्रकार से घोषित किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इसके संबंधित निर्णय दिए हैं और हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 के बारे में। संविधान का जो अनुच्छेद 30 है, आर्टिकल 31 है, वो कहता है कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है, चाहे वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है यानी कि रिलीजियस अल्पसंख्यक है माइनॉरिटी है, या लैंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पर वो अल्पसंख्यक है, तो वो है ना अपने समुदाय हैं, अपने संस्था के हैं, अपने धर्म में है, अपने भाषा को बचाए रखने के लिए कोई भी अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकता है, स्थापित कर सकता है, उनका प्रशासन कर सकता है। इस पॉइंट को आप याद रखना। देखो आर्टिकल 31 कहता है कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है या फिर धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, वो है जो भी है ना, किसी भी आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है ना, तो वो समुदाय अपने समुदाय को बचाने के लिए अपने पसंद का शैक्षणिक संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना भी सकता है, स्थापित भी कर सकता है, उसका प्रशासन भी कर सकता है, ये उसको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 समझ में आ गया, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होना जरूरी है, अगर वो अल्पसंख्यक है तो अपने पसंद का शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है, ये उसका राइट है। फिर आर्टिकल 31A के बारे में बात कर, हमने देखा 31, अब देखेंगे 31A। 31A क्या कहता है, 31A कहता है कोई भी अल्पसंख्यक समूह यानी माइनॉरिटीज है उनका कोई शैक्षणिक संस्थान यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसकी कोई संपत्ति होगी, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इसकी ही संपत्ति है, अब इसका है ना गवर्नमेंट को अधिग्रहण करना है, इसको एक्वायर करना है, तो इसकी राशि यानी कि इसकी प्राइस है ना वो तय करनी पड़ेगी। अब ये प्राइस कैसी तय होगी इसके बारे में मेंशन किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 31A में मेंशन किया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय है, उसका कोई शैक्षणिक संस्थान है, उसकी जो अधिकरण करना है संपत्ति का, तो किस प्रकार से राशि का निर्धारण किया जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। हमने 31 देखा जो कि शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने की बात करता है, उसके प्रशासन के बारे में बात करता है। हमने 31A देखा जो कि राशि के बारे में बात करता है कि हमारे अगर शैक्षणिक संस्थान को आपको एक्वायर करना है, उसकी संपत्ति को एक्वायर करना है, तो उसकी राशि है वो किस प्रकार निर्धारण होगा, वो 31A में बात की गई है। फिर 32 क्या कहता है, 32 कहता है कि सरकार गवर्नमेंट है किसी भी शैक्षणिक संस्थान जो कि माइनॉरिटीज का है, जो कि अल्पसंख्यक का है, उसको फंड देती है, तो वो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो किस अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आए, यानी कि धर्म या भाषा के आधार पर सरकार है वो भेदभाव नहीं करेगी, जो सारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें समान रूप से देखेगी। तो 31 बात करता है शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की, 31A बात करता है उनकी राशि के निर्धारण की, 32 बात करता है उनके साथ में भेदभाव नहीं करने की। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखना, प्रीलिम में डायरेक्ट घुमा की क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है जी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं कोई भी अल्पसंख्यक संस्था है वो कैसे घोषित होता है, अगर घोषित हो सकता है तो इसका क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे संविधान में एक बात की गई है, संविधान का आर्टिकल 15(5) है, उसमें बात की गई है अगर कोई जो भी इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसे अगर अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज का एजुकेशन इंस्टीट्यूट घोषित कर दिया गया है, तो वो SC और ST के लिए सीटें आरक्षित करने से छूट दे सकता है। यानी कि संविधान में लिखा गया है अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अगर नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको SC और ST के लिए कुछ सीटें हैं वो आरक्षित करनी पड़ेगी, कुछ सीटें हैं वो रिजर्व करनी पड़ेगी, ये सिंपल लिखा हुआ है। बट अगर क्या होता है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को
अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट घोषित कर दिया गया है तो वो एससी एसटी के लिए सीटों को आरक्षित नहीं करेगा, इससे इनको छूट दी गई है, एग्जम्पशन दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 15(5) में लिखा गया है अगर कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नहीं है तो एससी एसटी के लिए उनको आरक्षित सीटें देनी पड़ेगी, अगर वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है तो वो एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें नहीं रखेगा, इसका वर्णन किया गया है हमारे आर्टिकल 15(5) में। आपको समझ में आ गई है। अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, एएमयू के बारे में बात कर रहे हैं, इसका जो मामला है 2006 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं तो ना तो ये घोषित हो गया है कि ये अल्पसंख्यकों का संस्था है और ना ही ये ऐसा हुआ है कि ये नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इसलिए ये एस सी एस टी के लिए कोटा नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अगर घोषित हो जाता तो ये नहीं रखते, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होता तो इनको रखना पड़ता, पर अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 2006 से चल रहा है, इसीलिए इन्होंने अभी तक ये कोटा नहीं रखा है। अगर घोषित कर दिया गया तो ये एस सी एस टी के लिए सीटें नहीं रखेंगे। बट ये ना अभी क्यों एएमयू मुस्लिम का है तो इनको 50% या उनसे अधिक जो सीटें हैं वो मुस्लिम के लिए वो आरक्षित कर सकता है, ये इनके पास पावर है। साथ ही साथ में क्या होगा, इनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उनके लिए भी वो चेंजेस कर सकता है, किस प्रकार इनके एंट्रेंस एग्जाम होगा, किस प्रकार इनमें प्रवेश होगा, वो सारी है। अगर किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर दिया जाता है तो वो सारा प्रशासन है वो संस्थान तय करेगी इसमें ये प्रक्रिया वो किस प्रकार होगी, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी संस्था को घोषित कर दिया जाता तो क्या होता है, घोषित नहीं किया जाता तो क्या होता है, किस प्रकार से उसमें एंट्रेंस एग्जाम में परिवर्तन जो परिवर्तन आ जाता है वो पूरा है हमने देख लिया है, ठीक है जी। आपको इजी सी बात है, वो समझ में आ गई है। अब इसमें कुछ केंद्र सरकार है वो अपनी दलीलें दे रही है, कुछ है वो एएमयू है वो अपनी दलीलें दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार वो क्या कह रही है, अभी क्या हुआ है, जो 1992 में सेंट स्टीफन एक कॉलेज है जो कि अल्पसंख्यक की कॉलेज है, वहां पर ये मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो सेंट स्टीफन कॉलेज है इसको अल्पसंख्यक कॉलेज का दर्जा दिया गया था, इसलिए जो एएमयू वाले हैं वो कह रहे हैं कि इस अब कॉलेज को अगर आपने मान्यता दी थी तो हमारी कॉलेज को आप मान्यता क्यों नहीं दे रहे हो, ये कहना एएमयू का। बट सरकार का यहाँ पर कहना है सेंट स्टीफन जो कॉलेज थी उसका मामला अलग था, एएमयू का मामला अलग था। एएमयू है वो केंद्र सरकार के द्वारा एक एक्ट के माध्यम से बनाई गई थी, जबकि सेंट स्टीफन्स कॉलेज थी वो एक्ट के द्वारा नहीं बनाई गई थी। और साथ ही साथ में एएमयू को सरकार है समय समय पर फंड भी देती आ रही है, जबकि जो स्टीफन कॉलेज थी उसमें सरकार फंड नहीं दे रही थी। साथ ही साथ सरकार का कहना है ये जो हमारा धर्मनिरपेक्षता है उसकी नींव को बचाए रखने के लिए जरूरी है, इस प्रकार केंद्र सरकार दलील दे रही है, जबकि एएमयू का भी कुछ दलील दी जाती है। इनका कहना है कि हमारे आर्टिकल 30 दिया गया है इसलिए हमारा अधिकार है कि हम इसे अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करें, इस प्रकार अलग अलग है, वो विवाद चल रहा है, दलीलें चल रही है। फाइनल जो भी वर्डिक्ट आएगा उसे हम भविष्य में देख लेंगे, दलीलों को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमने आर्टिकल 30 देखा उसको आप याद रखना है, और किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान को घोषित कर दिया जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है वो चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 29 को भी आप देख लेना, आर्टिकल 30 को भी देख लेना क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, इस क्वेश्चन को आप देखना, उसके आंसर देने की कोशिश करना। ये आर्टिकल 30 के बारे में था, आर्टिकल 30 एक कहता है कि अल्पसंख्यक चाहे धर्म के आधार पर भाषा के आधार पर हो उनके प्रशासन का अधिकार होगा, तो ये पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये 30(2) के बारे में बात करता है, 30(2) है वो राशि के बारे में नहीं करता है, राशि के बारे में कौन बात करता है, 30(1)(a) बारे में बात करता है, और 30(2) है वो अलग है, वो करता है भेदभाव न करने के बारे में, तो इसमें दो गलत है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन है वो आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आप ट्राई कीजिएगा, जिससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है, ठीक है जी। ये इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है तो आप इसे देख सकते हो। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आरएनए एडिटिंग के बारे में है। क्यों न्यूज़ में इसलिए है कि अभी अमेरिका में आरएनए को एडिट किया गया है, इसके बारे में इसलिए है न्यूज़ में। अभी क्या हुआ था, एक वंशानुगत विकार था, वंशानुगत डिजीज थी जिसका नाम था अल्फा वन एंट्रासोनी डिफेंसिस, ये एक बीमारी थी जिसमें क्या हुआ था, इस बीमारी में क्या होता है, इसमें जो हमारा लंग्स होते हैं फेफड़े वगैरह होते हैं उनमें दिक्कत आ जाती, इसलिए इसमें आरएनए में सुधार करके इस बीमारी को ठीक किया गया, इसलिए न्यूज़ में हमने न्यूज़ देख ली। अब न्यूज़ तो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बात करते हैं आरएनए एडिटिंग होती क्या है। आरएनए एडिटिंग के बारे में बात करें तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे क्या जाता है एडार एडिटिंग। इसमें क्या होता है, ये जो आरएनए होता है ये डीएनए है, ठीक है, इसमें क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, इसमें उत्परिवर्तन हो गया मतलब चेंजेज आ गए,
तो दिक्कत आ गई है। अब ये आदमी पड़ गया बीमार, अब इसमें क्या किया जाएगा? एक होता है गाइड आरएनए, गाइड आरएनए के माध्यम से जो डीएनए होता है उसमें चेंजेस किया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा, और बाद में वो चेंजेस है ना वो आगे नए प्रोटीन बनेगा और आदमी है वो स्वस्थ हो जाएगा। यानी कि गाइडेड आरएनए के माध्यम से ये जो एडर टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग करके आरएनए में सुधार किया जा सकता है, जिससे पूरे व्यक्ति में सुधार हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमारे शरीर में है ना इस प्रकार से आरएनए की लड़ी बनी होती है, जिसमें एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, यूरेनिसिन होता है, तो साइटोसिन होता है। ये चार प्रकार के आरएनए के बॉक्स बने होते हैं, इनमें सुधार करके आरएनए में एडिटिंग की जाती है। अब एक आरएनए एडिटिंग होता है, एक डीएनए एडिटिंग होता है, इनमें फर्क क्या होता है? आरएनए एडिटिंग में क्या होता है? आरएनए एडिटिंग होता है जो डीएनए एडिटिंग की तुलना में इजी होता है, क्योंकि आरएनए एडिटिंग होता है वो कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय बाद में उसमें दिक्कत आ जाती है, जबकि डीएनए एडिटिंग होता है वो परमानेंट होता है। इसलिए आरएनए एडिटिंग होता है वो इजी होता है, डीएनए एडिटिंग में काफी समस्या देखने को मिलती है। अभी डीएनए एडिटिंग में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि आरएनए एडवांस में आरएनए जो एडिटिंग है उसमें काफी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और इस टेक्नोलॉजी का आप नाम याद रखना, आरएनए एडिटिंग के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, वो टेक्नोलॉजी है एडार्ट एडिटिंग। ठीक है, तो अभी एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोकोनिन को याद रखना, एमआरएनए जिसके माध्यम से ये ठीक किया जाता है इसको याद रखना, गाइडेड आरएनए को आप याद रख सकते हो क्योंकि गाइडेड आरएनए के माध्यम से आरएनए को एडिट किया जाता है। तो कुछ पॉइंट है इसके बारे में आप याद रखना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है शीशे के संपर्क में आने के कारण, शीशा होता है लेड, उसके कॉन्टेक्ट में आने से हृदय हार्ट डिजीज है वो बढ़ गई है, जिसके कारण आर्थिक हानि बढ़ गई है। इससे संबंधित एक रिपोर्ट आई है जिसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये याद रखना कि शीशा क्या होता है। शीशा एक नरम धातु है, ठीक है, एक धातु है जो कि नरम है। यूज़ कहाँ होता है इसका? इसका अलग अलग जगह पर यूज़ होता है, जैसे कि बैटरी में इसका यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल, इन्वर्टर वगैरह है, जो भी हथियार वगैरह बनाए जाते हैं इसमें इसका यूज़ होता है, धातु में, पाइपों में इसका यूज़ होता है। कहाँ पाया जाता है? ये जो हमारी पृथ्वी होती है इसकी जो पट्टी होती है इसके अंदर पाया जाता है। तो ये शीशे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी है बातें आप याद रखना। इसके प्रभाव क्या होता है, इससे क्या होता है? इंसान का जो आईक्यू है वो आईक्यू कम हो जाता है, इंटेलिजेंस जो कॉन्सेंट होता है वो कम हो जाता है, साथ ही साथ इससे इंसान की डेथ भी हो जाती है। शीशे को जो भी इस शीशे के कारण नुकसान हो रहा है इसे रोकने के लिए कुछ प्रयास भी किया गया है, जैसे कि WHO ने और UNEP ने मिलकर इसे समाप्त करने के लिए, इसके द्वारा जो पेंट बनता है इसे समाप्त करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। WHO ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। पेट्रोल में जी इसका उपयोग किया जाता है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कुछ प्रयास भी किया जाए है जिसके शीशा है ना उसका उपयोग कम हो और इसके जो भी प्रभाव दुष्प्रभाव है उसे रोका जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल शीशे के बारे में था, ज़्यादा जो डिटेल दी गई इतना आपको याद नहीं रखना है, आप कुछ बेसिक आइडियाज होना चाहिए शीशे के बारे में, जो हम अगर प्रीलिम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसके बारे में हम ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए अधिकार, जैसे हमारा मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों के तहत सार्वजनिक स्थल होते हैं जो हमारे पब्लिक जो भी जगह होती है सार्वजनिक जगह होती है वहाँ पर अगर दिव्यांगजन कोई जाता है तो उनके लिए रहने की व्यवस्था हो अच्छे से, कोई भी अगर मॉल है, कोई पुलिस स्टेशन है, कोई स्कूल है तो वहाँ पर जाने के लिए, उनके जाने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, एक्सेस अच्छा होना चाहिए जहाँ पे वहाँ पे वो जा सके। अगर जिसके पैर में दिक्कत हो तो इस प्रकार से बना हुआ चाहिए जहाँ से वो आसानी से जा सके। वहाँ पर व्हील चेयर होनी चाहिए, अगर कोई अंधा है तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ये पूरी व्यवस्था है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर दिव्यांगजनों की सुगम्यता के लिए एक अधिकार की व्यवस्था करिए, और ये मानवीय और मौलिक अधिकार माना गया है सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी मामला गया था राजीव रतोड़ी बना भारत संघ मामला, इस मामले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई की है और ये फैसला दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया और इसके लिए सरकार ने भी प्रयास किया गया, और सरकार ने क्या किया, एक एक्ट भी बनाया गया है, जो भी ये फिजिकली डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं, जो भी सुगम्य होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, उनके लिए जो भी अलग अलग प्रकार के प्रावधान किए गए हैं वो इस एक्ट में किए गए हैं। इनको कई प्रकार की भेदभाव का सामना करना पड़ता है, कई इनकी मजाक बनती है, इन सबको दूर करने के लिए इस एक्ट में प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस एक्ट में कुछ कमियां हैं, इस कमियों को दूर करो और एक अलग प्रकार का एक्ट हो जिससे इस कमियों को दूर करके इनमें जो भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसमें सुधार किया जा सकता है। साथ ही साथ देखो सरकार ने कुछ पहले भी की गई है, जैसे अधिकारी कली के अधिनियम भी बनाया गया है, दिव्यांगजन ठीक है अधिकार अधिनियम 2016 का है, इसके साथ साथ कन्वेंशन भी की गई है, ठीक है सुगम्य भारत अभियान भी चलाया गया है। तो इस प्रकार के जो भी कैंपेन होते हैं उसे आप याद रखा करो, मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर ये पॉइंट आप लिख सकते हो। इसलिए इस प्रकार के जो भी जो एग्जाम्पल होते हैं ना वो एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के एग्जाम्पल देने से आपका जो क्वेश्चन होता है ना उसका आंसर काफ़ी अच्छा दिखता है।
तो फर्क बस यही दिखाना है। तो ये आपको पॉइंट कुछ याद होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो काहिरा कॉल टू एक्शन है। देखो ऐसी बहुत ज़्यादा मीटिंग वगैरह होती रहती है तो इनको सबको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, इतनी याद रहेगी भी नहीं। बट ये काहिरा कॉल टू एक्शन क्या है, अभी क्या हुआ, वर्ल्ड अर्बन फॉर्म। ये वर्ल्ड अर्बन फॉर्म क्या है, वर्ल्ड अर्बन फॉर्म है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और किसने की थी, यूएन ने इसकी स्थापना की थी। किसके बारे में ये काम करता है, ये अर्बनाइजेशन के बारे में बात करता है, जो भी लोग रहते हैं उनके लिए रहने की अच्छे आवास हो इसके बारे में बात करता है। तो वर्ल्ड अर्बन फॉर्म है, इन्होंने अभी अपनी एक काहिरा, काहिरा कहाँ पर है, काहिरा मिस्र में, ठीक है, स्पेन में, तो वहाँ पर इनकी बैठक हुई थी, इसे कहा गया है काहिरा कॉल टू एक्शन। यहाँ पर कुछ बातें की गई, ये बातें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको ये याद होना चाहिए काहिरा कॉल टू एक्शन क्या है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई थी, इसमें इसकी काहिरा कॉल टू एक्शन कहा गया, कुछ यहाँ पर पॉइंट डिस्कस हुए थे इसके बारे में, तो पॉइंट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलते हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, यूरेशियन ऑटर के बारे में, यूरेशियन उद्बिलाव के बारे में, क्यों न्यूज़ में है, न्यूज़ में इसलिए है कि अभी ये पुणे में देखा गया है इसलिए न्यूज़ में है। इससे यूरेशियन उद्बिलाव यानी लुट्रा के बारे में बात करी तो ये कहाँ पर है, इनकी तीन प्रजातियाँ होती है, अलग अलग प्रकार के इनकी तीन स्पीसीज होते हैं, एक स्मिथ कोटे उद्बिलाव होता है, एक छोटे पंजे वाला उद्बिलाव होता है, एक होता है यूरेशियन उद्बिलाव जिसे ओटर भी कहा जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, यूरोप एशिया अफ्रीका में ये पाया जाता है। भारत में कहाँ का पाया जाता है, भारत में हिमालय के जो भी एरिया है वहाँ पर देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। विशेषता क्या है, एकांत में रहता है, निशाचर यानी रात्रि में ये दिखाई देता है, और साथ ही साथ में शिकारी होता है, जल के आसपास ये देखने को मिलता है, मछलियों का ये शिकार करता है। नियंत्रण कैसे होता है, ये पारिस्थिति को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आईयूसीएन की नियर थ्रेटेंड के अंतर्गत आता है, तो कुछ पॉइंट आप याद रखना। और अभी इसके लिए खतरे क्या है, कीटनाशक है, तेल के रिसाव है, ये प्रदूषण है, ये सब इसके लिए खतरे हैं। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि यूरेशियन उद्बिलाव कहाँ पाया जाता है, यूरोप एशिया अफ्रीका में पाया जाता है, भारत में पूर्वोत्तर है, हिमालय है, पश्चिमी घाट वहाँ पर देखा जाता है। फिर ऐसा कोई पूछ लेगा कि ये तो ऐसा जीव है जो आईयूसीएन नियर थ्रेटेंड की जगह कुछ और पूछ लिया, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, तो ये इंडेंजर्ड में नहीं आता है, ये नियर थ्रेटेंड में आता है, तो ये पॉइंट कुछ आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो सलाद बार उग्रवाद के बारे में, ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, आपको ये होना चाहिए सलाद बार एक्सट्रीमिज्म है क्या, कुछ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर ये एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है। ये जो एक्सट्रीमिज्म होता है एक्सट्रीमिज्म, इसकी कोई फिक्स विचारधारा नहीं होती, फिक्स आइडियोलॉजी नहीं होती है, ये अपने अपने, जैसे मेरे कोई समस्या है, आपकी कोई समस्या है, तो हम सबने मिलकर एक विचारधारा बना दी, इसे कहा जाता है सलाद बार एक्सट्रीमिज्म। ये जैसे हमें अभी देखने को मिला है, कनाडा में अटैक देखने को मिले, इस प्रकार की जो एक्सट्रीमिज्म था वो कनाडा में देखने को मिले हैं। ये अल्पसंख्यक विरोधी हो सकते हैं, किसी धर्म विरोधी हो सकते हैं, किसी जाति विरोधी हो सकते हैं, महिलाओं के विरोधी हो सकते हैं, तो इस प्रकार का जो एक्सट्रीमिज्म होता है उसे कहा जाता है सलाद बार एक्सट्रीमिज्म। इस वर्ड को आप याद रखना, सलाद बार एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, कोई फिक्स आइडियोलॉजी नहीं होती है, इसे कहा जाता है सलाद बार एक्सट्रीमिज्म। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ब्रिक के बारे में, ये ब्रिक्स नहीं है, ये ब्रिक है, ब्रिक यानी कि है बायो टेक रिसर्च इनोवेशन काउंसिल, ये ब्रिक है, इसके बारे में बात कर, यानी जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद के बारे में है ब्रिक्स। इसके गठन को एक साल पूरा हो गया इसलिए न्यूज़ में है। इसके बारे में बात करें तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत आता है। तो इसका निर्माण किसने किया था, विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग आता है, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, उसके अंतर्गत ये आता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, इसके लिए रिसर्च को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, ये सारे इसके काम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखना कि ब्रिक है वो क्या है और किसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज के बारे में है। ऐसी एक्सरसाइज बार बार होती रहती है, एक बार बैठो सारी को याद कर लो, क्योंकि बार बार न्यूज़ में आएगी, एक साथ आपको याद करनी चाहिए, ऐसी याद रहेगी नहीं। तो अभी जो ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कहाँ पर हुई है, पुणे में हुई है, और ये इसका तीसरा संस्करण था। बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल याद रखना है ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, अभी कहाँ हुई थी, पुणे में, ये इसका तीसरा संस्करण था। ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ऐसी रैंकिंग बहुत ज़्यादा आएगी, सारी आपको याद रहेगी नहीं, बड़ी बड़ी जो भी रैंकिंग होती है उनको आपको याद रखना है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसकी है, एशिया के बारे में 2025 की है।
इसमें बात की गई है। 25 देशों ने और 984 संस्थानों मिलकर ये मूल्यांकन किया है। इसमें अलग अलग जो संस्थाएं थी उनको नंबर दिया गया है। भारत की जो भी एजुकेशन संस्था थी उनमें कुछ ने अपने रैंक हासिल किए, जैसे कि IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली, इन्होंने रैंक हासिल किए। तो आपको बस ये याद होना चाहिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक किसको करती है, तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती है और किसको कितना स्थान मिला ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो आर्टिकल है EV एज ए सर्विस कार्यक्रम। अब EV एज ए सर्विस कार्यक्रम क्या है, ज़्यादा डिटेल में आपको याद नहीं, सिंपल से याद रखना है कि केंद्रीय जो मंत्री है उनके द्वारा विद्युत और आवासन के लिए जो मिनिस्टर होता है ना हमारा, उनके द्वारा EV एज जो कार्यक्रम उनकी शुरुआत की गई है, इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी एफिशिएंसी पर ध्यान दिया गया है और कन्वेंशनल एनर्जी है उसको किस प्रकार से उपयोग किया जाए। तो इन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और कन्वेंशन एनर्जी सर्विस लिमिटेड, इनके दोनों की ये पहल है। तो किसकी पहल है आपको याद रखना है, ये पहल है वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और एनर्जी सर्विस लिमिटेड की, दोनों की मिलकर ये पहल की गई है। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये केंद्रीय जो विद्युत मंत्रालय उनके अंतर्गत आती है। इसमें क्या होगा, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना है उन घोषणा के बाद में शुरू किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है। इसमें किसी भी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसे बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए ये योजना लाई गई है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो थ्रोम्बोसाइटोटिक पुरपुरा, ये क्या है, अभी जो वैक्सीन दी गई थी COVID-19 की वैक्सीन दी गई थी कोरोना वैक्सीन, उनसे संबंधित है कि वो वैक्सीन देने के बाद में कुछ लोगों को बीमारी देखने को मिली है जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपेटिक पुरपुरा, ये TTP है, बीमारी देखने को मिली है। तो इसका याद रखना कि ये क्या चीज़ है, ये एक प्रकार की बीमारी है, किसके बाद देखने को मिली है, कोरोना वैक्सीन है, कोरोना वैक्स उसको उसके बाद देखने को मिली है। बीमारी का नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिक पुरपुरा, TTP इसका नाम है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ब्लड होता है उसका थक्का बन जाता है, यानी रक्त वाहिनियों में थोड़ा थोड़ा थक्का देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, इसे किडनी है, हृदय है, मस्तिष्क है, इसमें देखने को मिलता है और ऑक्सीजन का जो प्रभाव वो तो कम दे हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का प्रवाह कम होगा तो बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। और ये वंशानुगत भी हो सकती है और धीरे धीरे आगे मौत का भी कारण बन सकती है, तो ये देखने को मिलती है। थ्रोम्बोसाइटोपिक पुरपुरा किससे जुड़ी है, ये कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई है, वैक्सीन से जुड़ी हुई है। क्या बन जाता है, खून का थक्का बन जाता है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए तो आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में, क्यों न्यूज़ में है, न्यूज़ में इसलिए है कि हर साल 11 नवंबर को इनके मौलाना जो अब्दुल कलाम आजाद जी हैं इनकी जयंती मनाई जाती है और इसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए ये न्यूज़ में। इनके बारे में बात करी तो ये कहाँ से, इनका जन्म होता सऊदी अरब में हुआ था, ये एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे, इनको बहुत सारी भाषाओं का नॉलेज था, ये हमारे शिक्षा मंत्री भी रहे थे 1947 से 1958 तक ये शिक्षा मंत्री भी रही थी, पहले शिक्षा मंत्री यही थे। इनके योगदान के बारे में बात करें तो 1923 में दिल्ली में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो इनके अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, कांग्रेस का 1923 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, इनके अध्यक्ष भी बने थे। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसमें भी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था इन्होंने। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था, दांडी मार्च में भी गांधी जी का साथ दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर इन्होंने भूमिका निभाई थी। ये संयुक्त प्रांत संविधान के सदस्य भी बने थे और साथ ही साथ में कई सारी जो भी विश्वविद्यालय वगैरह थे उनके लिए इन्होंने काम भी किया था। इनको कई सारे जो भी रत्न पुरस्कार भी मिले थे, जैसे कि इनको भारत रत्न मिला है 1992 में और भी कई सम्मान इनको मिले हैं। और इनके योगदान के बारे में बात करें, इनके मूल्य के बारे में बात करें, ये देशभक्ति ईमानदारी सहिष्णुता के बारे में बात करते हैं, तो ये मौलाना अब्दुल कलाम जी के बारे में आर्टिकल था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो पीना का रॉकेट के बारे में, इसे लॉन्च करने के बारे में बात की गई, तो ये याद नहीं रखेंगे। संजीव जो है जस्टिस संजीव खन्ना है वो हमारे CJI बनेंगे 51वें, तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत पॉइंट याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि वन रैंक वन पेंशन योजना काफ़ी पुरानी है, इसको 10 वर्ष पूरे हो गए तो आपको इसके बारे में बेसिक जो आइडिया वो पता ही होना चाहिए। फिर जो हमारी जो NTPC है यानी कि कंपनी है, इन्होंने क्या किया, CO2 से बेस्ड मेथोलन एक सेंटर स्थापित किया गया है, यानी क्या किया इन्होंने, NTPC ने CO2 से मेथोनल को रूपांतरित किस प्रकार से किया जाता है, तो इसकी एक इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया इसके बारे में, यानी कि CO2 है उसको कैप्चर किया जाएगा और उसका उपयोग है वो जो गैस के रूप में किया जाएगा जिसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा, तो इसके बारे में बात किया गया है। CO2 से मेथोनल को रूपांतरण की प्रक्रिया है उसका बात किया है, किसने किया, NTPC ने किया है, तो थोड़ा बहुत दिया गया आप एक बार देख लेना आपको समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट जो है वैज्ञानिकों ने एक साइनोबैक्टीरिया का जो खोज की है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया है जो कई प्रकार से जो कार्बन होता है उनको अलग अलग प्रकार से पृथक्करण करता है, उनको इकट्ठा करता है, और जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बींग है, उनके लिए कई प्रकार से ये योगदानफुल हो सकता है। तो ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में है। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ये नीले हरे बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं, और इसे इस रूप में भी जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, ये लगभग हर जीव जल में भी देखने को मिलते हैं, स्थल में भी देखने को मिलते हैं। इनका जो हरा रंग क्यों होता है, ये होता है फाइकोसाइनिन के कारण इनका रंग हरा होता है। और ये इसका उपयोग है वो किस में करते हैं, इनका जो प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस, इसका उपयोग भी किया जाता है, फाइकोसाइनिन के माध्यम से इनका प्रकाश संश्लेषण करते हैं। फिर बात ये हो गई है अमेजन जो वर्षावन है, इनकी जो कटाई है वो कम हुई है। तो अमेजन वर्षावन के बारे में आपको आइडिया होगा कहाँ पर, ये दक्षिण अमेरिका में है, ब्राजील है, पेरू है, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये 10% यहाँ पर जनजाति है, प्रजातियाँ जो भी है ना वो यहाँ पर है। तो थोड़ा बहुत है फैक्ट दिए गए, इतने फैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक है, सिंपल आइडिया आपको पता ही होगा। तो ये आप एग्जाम्पल ये लिख सकते हो कि कुछ समय में इसकी जो कटाई है वो कम हुई है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे लिए खुशी की बात है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है प्लेस इन न्यूज़ में, वो टिमोर लिस्ट के बारे में। टिमोर लिस्ट पहले तो कहाँ पर है, ये रहा टिमोर लिस्ट, ठीक है, कहाँ पर, ये पैसिफिक ओशियन में, और ये आता साउथ एशिया, ये इंडोनेशिया वगैरह, तो यहाँ से आ गया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया वगैरह आ जाता है। तो ये टिमोर लिस्ट ये यहाँ पर है, इसकी कैपिटल कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली, दिल्ली नहीं, दिल्ली, ये अलग कैपिटल है, अपने वाले दिल्ली नहीं है, ठीक है। तो पहले ये पोर्चुगल के अंतर्गत आता, फिर इंडोनेशिया के कब्जा करा, और फिर आज़ाद हो गया 2002 में, और अभी इसकी कैपिटल दिल्ली में है। अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए टिमोर लिस्ट के बारे में। नेक्स्ट जो है सरदार अपने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिनका 1967 में देहांत हो गया था, ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे, और इनका नारा था जय जवान जय किसान, ये इनका नारा भी था। और सैनिकों की जय किसान की जय के बारे में बात करते हैं, इनका देहांत हो गया था भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 का जो युद्ध हुआ था, इन दौरान इन्होंने नेतृत्व भी किया था, ये प्रधानमंत्री भी रहे थे भारत के। तो ये इसके बारे इनके बारे में, और मौलाना अब्दुल कलाम जी के बारे में हम देख ही चुके हैं। तो ये पूरा हमारा आज का डिस्कशन था, आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।